हेलो जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज अपन लोग जर्नी करने वाले हैं 110 में, जो कि अपनी सिमगढ़ एक्सप्रेस है, जो कि अपने पुणे से रोज़ाना मुंबई सिटी यानी जो अपनी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल टर्मिनल रेलवे स्टेशन तक चलती है। इस ट्रेन की टाइमिंग्स के बारे में तो ये सुबह 6:05 को निकलती है और 9:55 को पहुँचा देती है अपने CSMT रेलवे स्टेशन पर, जो कि अपना मुंबई रेलवे स्टेशन है। बाकी चलिए आज इस ट्रेन में जर्नी करते हैं और ये टोटल मतलब कवर करती है 3 घंटे 50 मिनट में, यानी अप्रॉक्स 4 घंटे में कवर करती है अपने पुणे से अपने मुंबई सिटी तक। बाकी इसका कोच कॉम्पोजिशन रहता है 12 इसमें मतलब जो सेकंड सीटिंग का कोचेज रहता है, और बाकी एक अपना AC का कोच C1 और बाकी एक EOG और एक DL1, तो बाकी इसमें टोटल 15 कोचेज के साथ चलती है दोस्तों। बाकी पुणे जंक्शन एक जंक्शन पॉइंट है दोस्तों, बाकी पुणे जंक्शन क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है अपने दौड़ के लिए और एक लाइन अपने मेरे जंक्शन की तरफ और एक लाइन अपनी कल्याण जंक्शन की तरफ। बाकी अच्छा खासा जंक्शन पॉइंट है और बाकी यहाँ पर 122 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं और 78 ट्रेनें ओरिजिनेट और 78 ट्रेन टर्मिनेट करती हैं। यहाँ से 6 प्लेटफॉर्म का ये जंक्शन पॉइंट वाला रेलवे स्टेशन। बाकी अपनी टिकट भी आई है, वेटिंग की है और बाकी 12 वेटिंग में अटक गया। बाकी चलिए देखते हैं और जर्नी करते हैं। 4 घंटे की जर्नी है, चलता है कोई नहीं है, वेटिंग है चलेगा, लेकिन अच्छे अच्छे खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे आपको। और बाकी यही है अपनी सिमगढ़ एक्सप्रेस। बाकी इस जर्नी में अपन लोग डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 192 किलोमीटर और उसमें 8 हॉल्ट हमें लगने वाले हैं। और बाकी ये इसका एवरेज किलोमीटर पर आवर रहता है इस ट्रेन का, मतलब जो 50 किलोमीटर पर आवर रहता है, और बाकी 110 किलोमीटर इसका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। तो और बाकी अभी लोकोमोटिव नहीं लगाया, तो चलिए देखते हैं लोकोमोटिव के पास चलते हैं और लोको अटैच होने के बाद मिलते हैं डिपार्चर पे सीधे आपको, ठीक है। और दोस्तों बाकी इसको अपना WCM कल्याण सेट का लग रहा है, देख सकते हो दोस्तों। बाकी यहाँ कपलिंग हो रही है, बाकी चलिए देख सकते हो, अभी चलते हैं। बाकी अंदर का इंटीरियर देख सकते हो, 3x3 का सीटिंग इसका अरेंजमेंट रहता है, एक चार्जिंग सॉकेट और एक देख सकते हो फैन के लिए बटन, और बाकी यहाँ लगेज होल्डर। तो दोस्तों फाइनली अपन लोग डिपार्ट कर चुके हैं अभी, चलो बाय बाय पुणे, मिलते हैं जल्द। शिवाजीनगर रेलवे स्टेशन, और बाकी यहाँ पर इसका 1 मिनट का हॉल्ट था, बाकी हम डिपार्ट हो चुके हैं अभी। दोस्तों अपन लोगों को TT सर से बात करके टिकट मिल गई थी, तो अपन ने 3 स्टेशन का स्किप कर लिया क्योंकि 1 मिनट का हॉल्ट था। तो हम लोग आ चुके हैं अभी लोनावाला स्टेशन और देख सकते हो ट्रेन पूरी पैक है एकदम। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर आने का समय था 7:13 और 7:15 को डिपार्चर था, लेकिन यहाँ पर अपन लोग आए थे 12 मिनट डिले के साथ। दोस्तों ज़्यादा मैंने शॉट नहीं लिया और यहाँ पर इस ट्रेन का समय था यहाँ पर आने का 8:01 और 8:03 में डिपार्चर था, लेकिन हम यहाँ पर आए थे 14 मिनट देरी के साथ क्योंकि 8:15 को। तो दोस्तों कोच पूरा पैक ही था, तो दोस्तों मैं उसके बाद सो गया, कल्याण जंक्शन हमने स्किप किया। तो दोस्तों अपन लोग पहुँच चुके भी दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, बाकी 20 मिनट देरी के साथ आई है यहाँ पर। और इसका स्टेशन कोड है DR और यहाँ टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और बाकी 104 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं और 14 ट्रेन ओरिजिनेट और 14 ट्रेन टर्मिनेट करती हैं दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। बाकी चलिए मिलते हैं डिपार्चर पे, और बाकी इतने देर तक मैं कुछ नहीं दिखा पाया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पूरी इतनी पैक हो चुकी थी और पूरा दादर सेंट्रल में ही उतरा है, पब्लिक पूरा एकदम पब्लिक दादर में ही उतरा है। चलिए अब मिलते हैं डिपार्चर पे। और दोस्तों यहाँ देख सकते हो मुंबई की जान लोकल, और बाकी अपन लोग आए थे 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों बाकी यहाँ से जा रही है अगस्त क्रांति राजधानी, देख सकते हो
दोस्तों बात करें वॉशरूम के बारे में तो मिरर क्लीन है, पानी आ रहा है, बाकी डस्टबिन भी है यहाँ पर, बाकी ये इंडियन स्टाइल वॉशरूम है, बाकी ठीक ठाक है यहाँ होल्डर, बाकी एवरेज है और ठीक ठाक है, उतना खास भी नहीं है उतना ये भी नहीं है, बाकी एवरेज है दोस्तों। बाकी अपन लोग पहुँच चुके हैं 15 मिनट डिले के साथ, और 52 ट्रेनें हॉल्ट करती है ओरिजिनेट और 52 टर्मिनेट करती हैं, बाकी 18 प्लेटफॉर्म का ये टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। तो बाकी ट्रेन की पंक्चुअलिटी ठीक ठाक थी, इतना तो मिनिमम लेट रहता है ये ऑलमोस्ट इंडियन रेलवेज में सारी ट्रेनें, बाकी जर्नी एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक रहा, लेकिन इस आज पता नहीं बहुत भीड़ थी, पता नहीं क्यों। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी चलिए मिलते किसी एक नए जर्नी में एक नए शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।